In this particular question, we have to discuss the continuity. So, discuss करना है continuities में भी. तो जैसे कि हम अगर देख रहे हैं कि तीनों function जो है अपने अपने domain में, domain 0.6 में हमको interval में हमको करना है continuity discuss. तो अगर हम देखें कि f of x जो है that is x square minus 4 in this domain. तो यहाँ पर ये continuous है क्योंकि ये polynomial function है. तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि this function is continuous in 0, x, 2. Next लिख सकते हैं कि f of x is equal to 2x plus 3. ये भी polynomial function है. So again it is continuous on 2 less than x less than 4. This we also can write as in terms of open interval and closed interval. On this domain you can also write. F of x जो है वो x square minus 5 is also continuous since it is a polynomial function on 4, 6. Whether you can write this or this. ये भी लिख सकते हैं या नहीं सकते. अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 2 रिपीट हो रहा है और 4 रिपीट हो रहा है तो हम चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2. तो हमें उसके लिए टू शो दैट लिमिट x टेंस टू 2 प्लस लिमिट x टेंस टू 2 माइनस और f ऑफ 2 हमको देखना पड़ेगा इक्वल है कि नहीं. तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस अगर हम फाइंड करते हैं टू प्लस मीन्स ए वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 2 जो कि सेकेंड फंक्शन में है. तो यहाँ 2 इंटू 2 प्लस 3 अगर रखते हैं तो 7 मिलेगा. लिमिट x टेंस टू 2 माइनस अगर फाइंड करें हम माइनस अगर फाइंड करते हैं यानी x लेस देन 2 जो कि फर्स्ट फंक्शन है यहाँ 2 की वैल्यू रखेंगे तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0. तो जैसा कि देख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x. देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2. सिमिलरली हम चेक करेंगे x इक्वल टू 4 के लिए. तो जब x इक्वल टू 4 के लिए चेक करेंगे यानी लिमिट x टेंस टू 4 प्लस फाइंड करना होगा. 4 प्लस यानी x की वैल्यू 4 से ग्रेटर जो कि इस थर्ड फंक्शन में है. 4 स्क्वायर माइनस 5 16 माइनस 5 11. नेक्स्ट फाइंड करेंगे 4 माइनस f ऑफ x. x लेस देन 4 सेकेंड फंक्शन में है 2x प्लस 3 2 इंटू 4 प्लस 3 8 प्लस 3 11. f ऑफ 4 भी सेम आएगा 11. सो therefore लिमिट x टेंस टू 4 प्लस इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 4 माइनस एंड दैट इज इक्वल टू f ऑफ 4. दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस. फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4. लेकिन हमको इस डोमेन में बताना है. तो इस डोमेन में 2 भी बिलोंग कर रहा है 4 भी बिलोंग कर रहा है. तो 2 पे डिसकंटिन्यूअस है और 4 पे कंटिन्यूअस है. तो ये सब लिखने के बाद लास्ट में हमारा आंसर होगा देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन डोमेन 0.6 एक्सेप्ट विच पॉइंट x इक्वल टू 2 जहाँ पे वो डिसकंटिन्यूअस है. तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा.